हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक टॉपिक। ऐसे इकोनॉमी जहाँ पे कैपिटलिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है और उसी की वजह से इसका नाम रखा गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो ये होती क्या है? देखिए, कुछ इकोनॉमी या फिर आप कह लीजिए ये ऐसी इकोनॉमी है, जैसे कि आप देखिए, लेट्स सपोज ये हमारी इकोनॉमी है, इसमें रिसेंटली अभी जो भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं वो आप जैसे हमारे जैसे प्राइवेट लोग भी हैं और गवर्नमेंट भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा खर्चा करती है सोशल वेलफेयर के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है खाना पीना इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ इन सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है। और वहीं पे हम जैसे लोग जो प्राइवेट लोग हैं, जिनको प्राइवेट बिजनेस जिन्होंने चालू किया हुआ है, वो अपने बिजनेस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपना इनपुट्स देते हैं। तो यहाँ पे अब ये दोनों, यानी कि आपका प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, दोनों मिल करके इस पूरी इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन जब बात की जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट का रोल कम हो जाता है, या कह लीजिए बिल्कुल नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, परंतु अगर आप इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो वहाँ आप हमेशा यही पढ़ेंगे कि सारा का सारा रोल यहाँ पे प्राइवेट वालों का ही होता है, आप जैसे, हम जैसे और अडानी अंबानी जी जैसे, ठीक है। और गवर्नमेंट का रोल होता है, परंतु वो बहुत कम होता है, क्योंकि इन प्रैक्टिकल यहाँ पे ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं हो सकती जहाँ गवर्नमेंट अपना खर्चा ना करे। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ स्ट्रक्चर, इन सब पे खर्चा करना ही पड़ता है। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत कम होता है। और प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो एटलीस्ट 35% GDP का गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे बनता है, पर स्टिल इसको जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाएगा। अब देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक और यहाँ पे आप मतलब समझ सकते हो, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट्स का इंटरवीशन नहीं होता, गवर्नमेंट कोई भी इंटरवीन नहीं करती है किसी भी चीज़ में, और सारी प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पे, या फिर जो सारा एक सिस्टम चल रहा है वो प्राइवेट द्वारा चलाया जाता है, प्राइवेट बिजनेसेस द्वारा चलाया जाता है, लोगों द्वारा चलाया जाता है, एंटरप्राइजेस द्वारा चलाया जाता है। लेट सपोज अभी जो है आपको ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं मिलेगी जहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा ना करती हो, लेकिन ऐसी इकोनॉमी ज़रूर मिल जाएगी जहाँ पे जो आपके गवर्नमेंट है वो कम खर्चा करती है और बाकी बिजनेसमैन मिलकर के ही इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, वही डिसाइड करते हैं, वही जो है देखते हैं कि कहाँ चलाना है, क्या करना है, कौन से फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं, तो वो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाई जाती है। इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे जो एक मेन कैरेक्टर है, या इसको कह सकते हो जिसको कैटेगराइज किया गया है बाय फ्री मार्केट, ये एक फ्री मार्केट है, जो भी आना चाहे आ सकता है, जो भी जाना चाहे जा सकता है, और यहाँ पे जो है एब्सेंस होता है गवर्नमेंट के इंटरवीशन का, तो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है, वो एब्सेंस होता है, और यहाँ पे इन द कंपनी गवर्नमेंट का कोई इंटरवीशन नहीं होता इन द कंपनी। नेक्स्ट इज, इन प्रैक्टिस जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इंटरवीशन होता ही होता है, ताकि प्राइमरी चीज़ें भी की जा सके और साथ ही साथ आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जो है प्रोटेक्ट की जा सके। लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, आप गवर्नमेंट को बिल्कुल ही हटा दो मार्केट से, तो क्या ये इजी हो पाएगा कि एक्चुअली में सेफ्टी बनी रहे? क्योंकि गवर्नमेंट तो एक मेजर रोल प्ले करती है, सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है, आपकी जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्शन देती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बिल्कुल ही अगर हटा दिया जाएगा तो वैसे सिचुएशन में इकॉनमी बूस्ट नहीं होगी बल्कि ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर इकॉनमी में ऐसे लोग हैं जो मेहनत करके सफल होना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की सफलता को देख करके उसको पीछे खींचने के लिए रेडी होते हैं, एंड फॉर दैट वो आपकी पर्सनल एसेट्स तक को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न, या फॉर दैट पर्पज़ की उस वो चीज़ ना हो, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, इंटरवीन थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है, ताकि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सेफ्टी दी जा सके। ओके, रियल वर्ल्ड में जो है काफ़ी इकोनॉमीज हैं जो कि आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के नज़रिए से दिखती है, परंतु स्टिल वहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है 35% तक है, GDP के 35% तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट है उसको बहुत खर्चे करने होते हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने हैं और बाकी चीज़ें करनी हैं।
ठीक है, स्टिल उस इकोनॉमी को जो है कैपिटलिस्ट देखा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस या फर्म्स जो है वो फ्री होती हैं ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। देखिए, लेट्स सपोज कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, जो सारी आपकी कंपनीज हैं उनको फ्री है वो कि कुछ भी डिसाइड करें क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या बनाना है, तो वो ऑब्वियसली ऐसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे और बेचेंगे जिनसे उनको अधिकतर लाभ हो सके। ऐसे प्रोडक्ट वो क्यों बनाएंगे जिन पे जो है उसको लाभ ही नहीं हो रहा, वो तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए मार्केट में आई है। तो जब भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है तो वहाँ पे एंटरप्राइजेस को एक ये अपॉर्चुनिटी होती है या एक उनके हाथ खुले होते हैं कि वो डिसाइड कर सके कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और इसी वजह से ये आपका लीड टू इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम बनाता है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट हमारे इंडिया से बिल्कुल हटा दी गई है इन द सेंस कि इकोनॉमी के नज़रिए से गवर्नमेंट अपना जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाह रही है और उसने पैर पीछे कर लिए हैं। ऐसे सिचुएशन में जो अंबानी जी है, अडानी जी है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, जो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये और ज़्यादा पैसा डालेंगे, और ज़्यादा बड़े बन जाएंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो यहाँ पे जो छोटे लोग होंगे उनके लिए जो है वो एक कह सकते हो कि अब हमारे में और उनमें एक इनइक्वालिटी का जो एक चीज़ होगी, जो इनइक्वालिटी होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ वही प्रोड्यूस करेंगे जो उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दे, जिसकी वजह से उनका और पैसा बढ़ेगा, और जो छोटे लोग हैं, छोटे इंटरप्राइजेज हैं, वो इनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो बार बार और डाल सके, तो उस सिचुएशन में ये एक इनइक्वालिटी का जो आपका वेल्थ और इनकम में है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। प्रोडक्शन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा जो है ऑपरेट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, या ऑन्ड नहीं किया जाता, या फिर कोऑपरेटिव्स द्वारा नहीं होता। यहाँ पे जो आपको ये सारी चीज़ें ओन की जाती है वो प्राइवेटली होती हैं, जो कि इंडिविजुअल्स या हाउसहोल्ड्स द्वारा होती हैं। बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो भी आपके इंडिविजुअल एंड हाउसहोल्ड से रिलेटेड होते हैं। इन शॉर्ट वो सारे प्राइवेट होते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो कॉम्पिटिटिव होता है नेचर में, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो है अब प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी एक बढ़ जाएगा, ठीक है। जब सारे एक ही जैसे चीज़ें को मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि अच्छा प्रॉफिट मिले, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सप्लायर के तौर पे आ जाएंगे, प्रोड्यूसर के तौर पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उनको गाइड किया जाएगा मार्केट फोर्सेस द्वारा, जहाँ मार्केट लेके जाएगी, जैसे कि मार्केट में आज डिमांड है आपका कोई अलग टाइप का ड्रेस का, पुचक पुचक करके वाली ड्रेसेस का, तो वो वाली मैन्युफैक्चरिंग होगी। अगर उसके अलावा कुछ और चला जाएगा तो वो होगा, तो मार्केट में जो फोर्स चल रहा होगा, मार्केट में जो डिमांड्स चल रही होगी, उसके जो है वो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन देगी कैपिटलिस्ट को कि यहाँ पे काम करना है। सो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होने वाली हैं वो मार्केट फोर्सेस को लेकर के गाइडेड होंगी, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो है वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि कंज्यूमर्स को मार्केट में चाहिए, या फिर जो कंज्यूमर्स जो है मार्केट में डिमांड कर रहे हैं। एंटायर इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट की जाएगी टू मेट द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे जो भी इंटायर इकोनॉमी है उसको आप ऐसे ऑपरेट करोगे जिससे जो है आप अपने कंज्यूमर के जो भी प्रेफरेंसेस हैं उसको मैट कर पाओ, यानी कि कंज्यूमर की जो नीड है उसको पूरा कर पाओ, उस नज़रिए से आप पूरी इकोनॉमी ऑपरेट करोगे। नेक्स्ट इज योर मैरिट्स, सेल्फ रेगुलेटरी, इसमें गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं होती, सेल्फ रेगुलेटरी होता है, सारे लोग मिलकर के, प्रोड्यूसर्स मिलकर के, इसको प्राइवेट प्रोड्यूसर्स वो इसको चलाते हैं। फास्टर ग्रोथ, इसमें ग्रोथ फास्टर होती है, क्योंकि आपकी जो है आप वही बनाओगे जिसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो आप बार बार वही चीज़ें बनाओगे और जो मार्केट में डिमांड होगी, ठीक है। आप जो है इसलिए गवर्नमेंट भी आपको इंटरव्यू नहीं कर रही है, तो आपका जो आपकी इच्छा होगी या जो आपको बढ़िया लग रहा होगा लीगली होगा, ठीक है। ये ध्यान मत रखना कि गवर्नमेंट इंटरव्यू नहीं कर रही तो आप इनलीगल काम कर सकते हो, वो चीज़ नहीं है। आप जो है लीगल दायरे में रह करके ही सारे वो काम करोगे जिससे आपको बेटर प्रॉफिट मिल सके, जिसकी वजह से एक फास्टर ग्रोथ होगी। प्रोवाइड करता है एक इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है, वहाँ पे आप सिर्फ कॉम्पिटिटर हो, तो वहाँ पे जो भी कॉम्पिटिटर एक अच्छा काम करेगा या इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेगा उसको इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। इंसेंटिव्स यानी कि उसको इकोनॉमिक गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा और बेटर प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस
प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव, एक इंसेंटिव आपको प्रोवाइड होता है किस लिए, जब भी आप एक एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग करते हो एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक गेन्स टू द डिसीजन मेकर्स विच इंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी इन द सिस्टम. फ्लेक्सिबिलिटी होती है अडैप्ट करने की, ताकि जो है जो भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं आप उसको अडैप्ट कर पाओ, तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है. कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि उनके जो भी रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमल अलोकेशन करें उन रिसोर्सेज का डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, उससे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए. नाउ द डीमेरिट्स आर, फर्स्ट वन इज योर जनरेट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो यहाँ पे क्या है, इनकम एंड वेल्थ में एक आपकी इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, ये इनइक्वालिटी जनरेट कर देता है, वाइड डिफरेंस हो जाता है इकोनॉमिक में अपॉर्चुनिटी का, प्रोडक्शंस जो होते हैं ऑफ मैरिट गुड्स इज नॉट प्रॉफिटेबल, जो मैरिट गुड्स होते हैं उसका प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल नहीं होता, लॉस होता है ह्यूमन वैल्यूज़ का एंड वेलफेयर्स का, क्योंकि यहाँ पे आप ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं देखते, आप प्रॉफिट देखते हो, इंक्रीज होता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉम्पिटिशन को जो है एक अच्छे कॉम्पिटिटर बन के निकल पाओ या फिर कॉम्पिटिटर के मुकाबले अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाओ, तो इसके लिए आप रिसोर्सेज दबा के डाल देते हो, जिसकी वजह से कई बार उन रिसोर्सेज का जो है लॉस होता है या फिर उन रिसोर्सेज का वेस्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है. सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.